वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, इस प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों का इंतज़ार था कि मैं कब इसका रिव्यू करूँ। तो फाइनली जो है मैं आज इसका रिव्यू कर रही हूँ और इसे मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इसके रिजल्ट मैं आपको बताऊँगी कि इसके रिजल्ट क्या हैं, जो क्लेम कर रहा है अपने क्लेम पर सटीक बैठा है या नहीं बैठ रहा है, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसकी पैकिंग आप देख सकते हो। जब इसकी अनबॉक्सिंग मैंने शेयर की थी तो भी मैंने इसकी पैकिंग आपको दिखाई थी और मैंने ये कहा था कि जिस तरह से इसकी पैकिंग है तो उसी तरह से इसका रिजल्ट भी मिले हमें, क्योंकि पैकिंग से तो हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, उसी तरह से इसके रिजल्ट से भी हम उतने ही इम्प्रेस हों। तो इस तरह से इसकी पैकिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है और क्रीम जो है वो कुछ इस तरह से है। इसमें भी आप पैकिंग देख सकते हो, आप सिर्फ 100 पीस दे रखा है यहाँ पे और क्रीम जो है वो कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला इसका बहुत बढ़िया है, ऑल स्किन टाइप है, ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, ड्राई स्किन के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए इसलिए बहुत बढ़िया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये स्किन को ना स्टिकी नहीं करता है, मतलब नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, बिल्कुल भी ऐसा चिपचिपा सा फील नहीं होता, ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। स्किन पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है, फॉर्मूला बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। तो इसकी पैकिंग आप देख सकते हो, गिरेगी तो वो ब्रेक नहीं होती है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कांच की पैकिंग में आते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, बिना गिरे ब्रेक हो जाते हैं, जैसे सैन बोटानिका के प्रोडक्ट। भैया, सैन बोटानिका वाले से एक रिक्वेस्ट है कि भैया अपनी पैकिंग ज़रा थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि बिना गिरे ही टूटना स्टार्ट हो जाता है, बस यू यू करने में ही उसके जो है पार्टिकल्स क्रीम में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कांच की पैकिंग देते हैं ऊपर से उसके पार्टिकल्स भी क्रीम में मिक्स होते हैं, तो भी ऐसा कोई नहीं लगा सकता। बहुत सारे जो क्रीम है ना वो मेरी ख़राब हुई है सैन बोटानिका की क्रीम। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें कि इसके क्या रिजल्ट रहे हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस 600 है, इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। इसमें दो साइज आएंगे, मेरे पास इसका छोटा साइज है जिसका प्राइस 600 है, इसका आपको बड़ा साइज भी मिलेगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला है और आराम से स्किन पे नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। आप इसे नेक पे लगा सकते हो, फेस पे लगा सकते हो और अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो, फिट पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्रीम लगी है मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया होगी, और वैसे मैं ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे सर्च करने की वो नौबत नहीं आती कि मैं ये सोचूं कि मुझे क्या बाय करना है इस मंथ। आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा मतलब आसान कर देते हो मेरा ये चीज़ कि प्रोडक्ट आप लोग खुद सेंड कर देते हो मुझे, प्रोडक्ट सेंड नहीं करते, एक्चुअली प्रोडक्ट की इमेज सेंड कर देते हो मुझे, जिससे कि मैं उसे आसानी से बाय कर लेती हूँ। तो किसी को भी अगर किसी भी प्रोडक्ट पर ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो उसकी इमेज और या फिर उसका बाय लिंक है ना, मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, तो ही मैं उसका रिव्यू करूँगी। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे गूगल करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो आप सिर्फ कॉमेंट पर नाम ले देते क्योंकि इसका रिव्यू कर दो, फिर मैं उसे गूगल सर्च करती हूँ, फिर मुझे बहुत सारा नज़र आता है अलग अलग टाइप के, तो फिर मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ उसे। ठीक है, इसलिए मैं रिव्यू नहीं करती उन लोगों का, जो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करता है उन्हीं के ही रिव्यू आते हैं यहाँ पे, उन्हीं के द्वारा जो प्रोडक्ट मुझे बताए जाते हैं कि इसका रिव्यू करो मैम, तो उनको मैं पिक कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी, और आप अंतर भी देख सकते हो, इसका कलर देखो आप, बिल्कुल चेंज हो गया है ना, हल्का सा नज़र आ रहा है। तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगी, और यहाँ पे ना ऐसे थोड़े से निशान निशान जैसे मतलब ड्राइनेस लगी, लेकिन अब इसमें मैंने ट्राई कर लिया तो इसमें जैसे स्किन जो है ना, देखिए काफ़ी स्मूथ हो गई है, ये काफ़ी स्मूथ हो गई है, और ये मेरी तरफ से ना हाईली रिकमेंडेड है भाई। इस क्रीम को डे टाइम के लिए परफेक्ट है, आप इसे ट्राई करो, भले इसमें SPF 30 नहीं है, SPF 50 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इसे ट्राई करो। डे क्रीम बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और स्किन पर बहुत बढ़िया ये काम करता है। बाहर निकल रहे हो तो फिर भाई ऊपर से सनस्क्रीन लगा के निकल लो, है ना, बाहर निकल रहे हो तो पूरे दिन डेली डेली थोड़ी निकल लो, कभी कभी निकल लो, तो इस क्रीम को स्किप कर दो, और जो SPF आपके पास कोई भी SPF की क्रीम है या सनस्क्रीन उसे लगा के बाहर निकल लो, आके फिर से इसे लगा लो, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि कोई भी इंसान है इस क्रीम को ये ना रहे कि हमने इसे क्यों नहीं पहले ट्राई किया। ठीक है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी ये, बहुत बढ़िया तरीके से स्किन को हाइड्रेट भी रखती है, आपको अलग से कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही अपना काम दिखा देगी। ठीक है, आप अपने हाथों पे भी इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सामने बिल्कुल विजुअल रिजल्ट मिलने वाले हैं, मैंने नहीं सोचा था कि इसके रिजल्ट इतने बढ़िया मिलेंगे, तो आप सोच सकते हो।
तो मैं इसे अपने स्किन पे भी लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि स्किन पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। बस ये था कि मैं इस क्रीम को ही अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ आपको। और एक वीडियो मैंने बनाई थी स्पेक्स से रिलेटेड, कि जो भी लेंस लगाते हैं तो लेंस लगा के आप रो सकते हो, नहीं रो सकते अपने शादी वाले दिन। तो अगर किसी को कोई मेरी तरह स्पेक्स लगाता है, ठीक है, स्पेक्स लगा हुआ है, तो उनके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। और आप देख सकते हो मुझे भी स्पेक्स उतार के क्रीम लगाना पड़ रहा है। वो तो मेरी थोड़ी नज़दीक की नज़र अच्छी है तो मैनेज हो जाता है, वरना फिर मेरी दूर की जो नज़र है वो मेरी ब्लर है, मतलब कि धुंधला दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छी क्रीम, देखिए बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से लगाओगे ना तो ये आराम से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हाइड्रेट भी रखती है। हम इसके काम भी देखेंगे। देखिए काम तो ये ब्राइटनिंग का क्लेम कर रही है कि ये आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है, तो बिल्कुल देती है। विजुअल नज़र आएगा, बिल्कुल एक टोन तक आपको लगेगा। दोनों में हम अंतर देख सकते हैं, अपने हाथों पे यूज करना। आप इस क्रीम के अगर आपको विजुअल रिजल्ट देखने हैं ना, तो आप सबसे पहले जो है ना आप अपने हाथों पे ही ट्राई करना है इसे, तो फिर आपको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाओगे कि भाई हाँ इसके रिजल्ट हैं, बढ़िया है रिजल्ट, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फेस पे ट्राई कर लोगे तो उतना नहीं देख पाएगा, आप बिल्कुल वो नहीं कर पाओगे कि इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हल्का फुल्का नज़र आएगा आपको। लेकिन हाथों पे करोगे तो आपको ईजिली जो है अपने हाथों पे देख पाओगे। एक पे अप्लाई करना है, एक पे नहीं करना है आपको, फिर आपको अंतर नज़र आ जाएगा। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना डे टाइम, ठीक है। नाइट के लिए तो क्रीम के रिव्यू आते ही हैं, लेकिन इसे ज़रूर ट्राई करना, कभी ये ना हो कि हमने इसे क्यों नहीं ट्राई किया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने किसी नए रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।